और खबर गिरिडीह से है, जहां जैन तीर्थस्थल मधुबन में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। एक होटल के अंदर हत्या हुई है, पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर है ये, देखिए गिरिडीह से, जहां जैन तीर्थस्थल मधुबन में एक शख्स की हत्या की गई है। और बताया जा रहा है कि जो होटल है वहां पर, होटल में हत्या हुई है इस शख्स की। हालांकि पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ चल रही है। गिरिडीह के मधुबन में होटल में एक शख्स की हत्या कर दी गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ चल रही है कि वजह क्या रही इस हत्या के पीछे। गिरिडीह के मधुबन से यह खबर, जहां पर होटल में एक शख्स की हत्या कर दी गई और अब ये पूछताछ की जा रही है, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ चल रही है कि आखिर वजह क्या रही इस हत्या के पीछे। श्रीकांत सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, होटल में हत्या कर दी गई, कुछ वजह पता चल पाई कि क्या, कि हत्या की वजह क्या रही और कौन था ये शख्स? देखिए आपको बता दें कि पूरा जो मामला है वो मधुबन का मामला है, जो कि अहिंसा की नगरी मानी जाती है। और यहाँ पर सुबह सुबह जो है ये दिल दहला देने वाली खबर आई है, एक कर्मी ने दूसरे कर्मी की धारदार चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी है। यह गुरुवार देर रात का मामला बताया जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि 36 साल का जो युवक है जिसका नाम राजेश कुमार था, वो महाराष्ट्र का रहने वाला था, जबकि हत्या करने वाला जो आरोपी है रमेश करण, वो सोलंकी, वह भी राजकोट का रहने वाला है। दरअसल जब यात्री आते हैं तो अपने साथ जो है लोगों को लेकर आते हैं कार्य करने के लिए, खाना बनाने के लिए व अन्य कामों के लिए। देर रात में आपसी जो विवाद हुआ कर्मियों में, उसके बाद जो कर्मी ने दूसरे कर्मी की जो है गला रेत कर हत्या कर दी है। फिलहाल जो मधुबन थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और जो आरोपी युवक है उसकी भी गिरफ्तारी कर दी गई है। आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।